बोर्ड के एग्जाम में एक मार्क के क्वेश्चन के लिए एक लाइन लिखना होता है पांच मार्क के क्वेश्चन के लिए दो पेज लिखने होते हैं और आई मैट में हर क्वेश्चन फोर मार्क्स का होता है इट डज नॉट मैटर इफ यू हैव सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और एन ईजी क्वेश्चन वॉट मैटर्स इन एंड इज हाउ मनी क्वेश्चन वो ईजी भी देते हैं वो मुश्किल भी देते हैं

6x apples and 7x bananas the number of oranges is a multiple of both 5 and 6 so this 3x has to be a multiple of 5 and 6 what is the minimum number of fruits that the fruit seller has so we have to make the entire thing minimum and this has to be a multiple of both 5 and 6 so minimum value which is a multiple of 5 and 6 is 30 so this has to be a minimum of 30 if 3x is equals to 30 then X becomes 10. So this becomes 60 and this becomes 70. So 30 plus 60 plus 70 is 160. Minimum number of fruits is 160. Person A borrows 4000 rupees from person B. He borrows a portion at 3% simple interest. So a portion of this 4000 rupees is borrowed at 3% simple interest, while the rest is borrowed at 4% simple interest. So some amount of this 4000 goes in 3% simple interest and some amount goes in 4% simple interest. If B gets a total of 520 rupees as total interest, then amount borrowed at 3% is. So, if everything was borrowed at 3% simple interest, then this would come out to be 480 rupees. And if everything was borrowed at 4% simple interest, what amount athi? So, in that case, this will happen 4000 into 4 by 100 into 4 years. That is equals to 640 rupees. But actually, what amount came? 520 rupees. So, these two amounts... were mixed. So this is a mixture and allegation ka question. So let's just see the difference between the two. यहाँ से यहाँ तक का difference is 120, then 520 minus 4 is 40 rupees. So this is in the ratio 3 is to 1. Three ratio ke iska hai 3 percent ka, and that is the one we want to find. So the entire thing is 1x plus 3x, 4x. So 4x is equals to 4000, and we have to find 3x. 3x will be 3000. ठीक है. So let's start with 1800.

इंटू थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर टू नाउ आई एड वन टू ऑल पावर्स एंड मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू थ्री दैट इज इक्वल इन अ ग्रुप्टी स्टूडेंट सो टोटल स्टूडेंटी फिफ्टी टू like टी 48 लाइक like जूस 62 लाइक कॉफी दिवी स्टूडेंट इन द ग्रुप लाइक्स एट लीस्ट वन अमंग टी कॉफी एंड जूस दैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन लाइक मोर देन ड्रिंक। सो 150 स्टूडेंट्स हैं टोटल लाइकिंग इज वन टू सो 150 स्टूडेंट्स तो so, एक एक तो सबको लाइक करना ही है तो so, पहले तो थिंक किया देर आर वन फिफ्टी लाइक दिस सो 1, 1, 1, 1, 1, 1.

so a plus b has to be always greater than c this is an important property that you must know so a has to be the smallest side b has to be a bigger side than that and c has to be even bigger side than that so let's start with the smallest value of a possible that is 1 total sum is 15 and 1 is already taken by a so i have 14 more to distribute i can distribute them 7 and 7 that is possible i can distribute कंडीशन में वन एंड सिक्स का समुअली बी नॉट ग्रेटर कैन नॉट बी पॉसिबल वैन ए इज इक्वल टू टू दिस टाइम समिफ्टी आई हैव थर्टीन मोर टू डिस्ट्रीब्यूट सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम सिक्स एंड सेवन ठीक है टू प्लस सिक्स इज एट विच इज ग्रेटर देन सेवन दिस इज करेक्ट वेन ए इज इक्वल टू थ्री देन आई हैव ट्वेल्व मोर डिस्ट्रीब्यूट

देन वी हैव इलेवन मोर टू डिस्ट्रीब्यूट तो ये फाइव एंड सिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फोर प्लस फाइव इज नाइन ग्रेटर इज फोर फोर सेवन पॉसिबल यस दैट इज पॉसिबल बिकॉज फोर प्लस फोर इज एट विच इज ग्रेटर देन सेवन दिस ऑल्सो वर्क ठीक है लेट्स मेक ए इक्वल टू फाइव वेन ए इज इक्वल टू फाइव आई हैव टेन मोर टू डिस्ट्रीब्यूट एंड देर इज ओनली वन वे टू डू इट फाइव 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 टोटल कितनी कंडीशन हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो आंसर इज सेवन इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट टू गिवन सर्कल इज फोर सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नाइन सेंटीमीटर दैन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज अब पॉइंट अंदर है कि बाहर है वो तो बताया नहीं इन्होंने खबर दोनों केसेज देखेंगे सर्कल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी उसके पैरामीटर जो क्लोजेस्ट है तो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज फोर एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो दूसरे साइड वाला पेरीमीटर दिस इंटायर डिस्टेंस इज नाइन इसका रेडियस निकाल लेते हैं तो दिस इज़ फोर दिस इज़ नाइन तो नाइन माइनस फोर विल बी देंथ ऑफ द डाया मीटर तो नाइन माइनस फोर विल बी फाइव तो रेडियस विल भी टू पॉइंट फाइव ठीक है इफ़ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल दैन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो भी उसके पैरामीटर तक ही होगी ये रही एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो दूसरे साइड वाला पैरामीटर तो फोर प्लस नाइन इज थर्टीन रेडियस डिडेड बाई टू तो सिक्स पॉइंट फाइव तो रेडियस विल आइदर भी टू पॉइंट फाइव और सिक्स पॉइंट ठीक है इफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वस टू जीरोन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस थ्री ए वाईक्वल टू वन दिस आई थिंक इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट केम एन आई बी मैट नाउ मॉड के अंदर कुछ दे रखा है एंड स्क्वायर के अंदर कुछ दे रखा है मॉड एंड स्क्वायर कैन ओनली गिव आउट अ पॉजिटिव वैल्यू और अ जीरो की वैल्यू तो दिस हैजू बी आदर पॉजिटिव और जीरो दिस हैजू बी आईधर पॉजिटिव और जीरो अब अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होगा बट द सम इज एक्चुअली जीरो तो बोथ ऑफ टेन की वैल्यू शुड बी जीरो तो x प्लस वन की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए एंड वाई प्लस टू की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए तभी तो जीरो प्लस जीरो बिकम जीरो तो एक्स प्लस वन जीरो है विल बिकम माइनस वन एंड y प्लस टू जीरो है तो y विल बिकम माइनस टू अब बस सिंपल है x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो माइनस ए माइनस थ्री इंटू ए इंटू माइनस टू फाइव ए इज इक्वन ए इज नंबर ऑफ रियल सोलूशन एक्स स्क्स मॉड एक्स माइनस फिफ्टी सिक्स का क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं बट आई थिंक मॉड का क्वेश्चन मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सॉल्व अगर x इज तो ग्रेटर x इज तो ग्रेटर तो ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी आ जाएगी

टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन अब बेस तो कॉमन बनता हुआ दिख नहीं रहा है लेट्स ट्राई टू मेक एवरी थिंग इन दावर ऑफ हंड्रेड सो टू की पावर थ्री हंड्रेड विल बिकम टू की पावर थ्री की पावर हंड्रेड बिकम एट की पावर हंड्रेड ठीक है थ्री की पावर टू हंड्रेड आई विल थ्री का स्क्वायर की पावर हंड्रेड दैट इज नाइन की पावर हंड्रेड फोर की पावर हंड्रेड बिल रिमेनस फोर की पावर हंड्रेड सो एट टू द पावर हंड्रेड नाइन टू द पावर हंड्रेड और फोर टू द पावर हंड्रेड में सबसे बड़ा तो नाइन टू द पावर हंड्रेड है वो तो क्लियर है तो so ये दोनों तो इलिमिनेट हो गए नो कंपेरिजन इज बिटवीन नाइन टू द पावर हंड्रेड एंड टू टू द पावर हंड्रेड प्लस थ्री टू द पावर हंड्रेड नाइन टू द पावर हंड्रेड क्या था दिस वॉर्स थ्री टू द पावर टू हंड्रेड कैन आई राइट इट लाइक थ्री की पावर हंड्रेड इन टू थ्री की पावर हंड्रेड जस्ट आई कैन राइट इट लाइक दैट ये क्या है टू की पावर हंड्रेड प्लस थ्री की पावर हंड्रेड यह थ्री की पावर हंड्रेड इन टू थ्री की पावर हंड्रेड इसमें प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी है मल्टीप्लिकेशन से नंबर जल्दी बड़ा होता है और ये टू का थ्री भी है तो ऑब्वियस सी बात है 90 पावर हंड्रेड सबसे बड़ा नंबर है सो दिस इज द द राइट आंसर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ द गर्ल्स इन द क्लास आर लेस देन फिफ्टी परसेंट एंड मोर देन एट परसेंट लेट स्टार्ट स्मॉलेस्ट ऑप्शन ट्वेंटी फाइव का फिफ्टी परसेंट कितना होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव 12.5 से कम गर्ल्स होनी चाहिए एंड 48% परसेंट ऑफ 25 क्या होता है 12 और 12 से ज़्यादा गर्ल्स होनी चाहिए अब गर्ल्स डेसिमल में तो हो नहीं सकती 12 से ज्यादा चाहिए।, चाहिए 12 नहीं चाहिए 12 से ज्यादा चाहिए सो दैट इज़ रॉन्ग लेट्स ट्राई 27 27 का 50% परसेंट इज थर्टीन पॉइंट एंड फोटी ऑफ ट्वेंटी इज़ ट्वेल्व पॉइंट इज़ अ होल नंबर बिटवीन ट्वेल्व एंड थर्टीन टीन सो थर्टीन गर्ल्स हो सकती है तो अगर थर्टीन गर्ल्स पॉसिबल है तो ट्वेंटी सेवन टोटल भी पॉसिबल है तो कैल्कुलेटर right so, होता है आई पी मैट में डायरेक्ट वैल्यूज डालने का जीरो पॉइंट फोर एट इंटू ट्वेंटी सेवन सीधे वैल्यूज आती है कंपेयर करो चेक करो मार्क टू फोर एंड फाइव टू दावर टू जीरो पेज नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस अगर टेन टू द पावर सिक्स होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं सिक्स जीरोज होते हैं टोटल डिजिट सेवन होते हैं तो अगर मैं उस नंबर का लॉग बेस टेन ले लूँ तो वैल्यू क्या आएगी सिक्स आएगी इसमें प्लस वन कर दो ये नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला होता है अब टू टू द पावर टू जीरो टू फोर इसका लॉग बेस टेन क्या होता है टू जीरो टू फोर बाहर आ गया वॉट इज लेफ्ट इज लॉग टू बेस टेन तो फाइव टू द पावर टू जीरो टू फोर में भी सेम चीज़ होगी टू जीरो टू फोर विल कम आउट लॉग फाइव बेस टेन सो एड बोथ टू जीरो टू फोर विल कम आउट साइड कॉमन में लॉग बेस टेन टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव तो टेन हो गया ये कैंसिल हो गया पूरा वन बन गया प्लस वन डेट इज इक्वल टू टू जीरो ऑप्शन में है यस। इट सेज दैट सी सेवनटीन माइनस एक्स थ्री एक्स प्लस वन इज डिफाइंड फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स We used to do this like na, NCR when you are choosing R things from N things. So it is a similar way to write it like this. Though no notations exactly same. So N has to be greater than or equal to R. Why? Because if you are choosing, let's say, 12 objects, you cannot choose 12 objects from 10 objects. You can only choose 12 objects from more than 12 objects or equal to 12 objects. So 17 minus X has to be greater than or equal to 3X plus 1. सिक्सटीन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर एक्स सो एक्स टू बी लेस देन और इक्वल टू फोर तो फोर हो जाएगा थ्री हो जाएगा टू हो जाएगा वन हो जाएगा क्या जीरो हो सकता है लेट्स चेक जीरो ऑल्सो सो जब जीरो डालेंगे तो दिस विल कम एज सी सेवनटीन वन दिस इज एक्सेप्टेबल क्या नेगेटिव वन हो सकता है नेगेटिव वन केस में दिस विल बिकम सी एटीन नेगेटिव टू अब कॉम्बिनेशन नेगेटिव नंबर का डिफाइंड ही नहीं पॉसिबल ही नहीं हाउ कैन आई चूजेटिव सो दिस नॉट एक्सेप्टेबल सो जीरो चल जाएगा वन चल जाएगा टू चल जाएगा थ्री चल जाएगा फोर चल जाएगा टोटल फाइव वैल्यूज फाइव इज द राइट आंसर फर्स्ट क्लास सेट थी का क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ फाइव हंड्रेड पीपल सो टोटल फाइव हंड्रेड पीपल इट वॉज फाउंडी ओनडोर व्हीलर एंड नॉट अ टू व्हीलर हंड्रेड ओन्ड टू व्हीलर बट नॉट अ फोर व्हीलर एंड हंड्रेड ओन नाइदर फोर व्हीलर नॉट टू व्हीलर टोटल नंबर ऑफ पीपल वो ओन बोथ इज अब चार ही चीजें होती है आधर फोर व्हीलर ओन कर रहा है और सबका फाइव हंड्रेड में राइट आंसर फॉर समीरोज ऑफ ए बी सी इट इज गिवेन दैट सी बाई ए का मॉड इज इक्वल टू फोर ए बाई बी का मॉडल एंड बी बाई सी माइनस थ्री बाई फोर इफ ए इंटू सी इज ग्रेटर देन जीरो वॉट इज दैट नाउ लुक एट दिस ए इंटू सी ग्रेटर देन जीरो वॉट डज देट मीन इट मीन दैट इफ एज पॉजिटिव देन सी ऑल्सो हेज टूट बिकॉज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव राइट और गो फॉर द मोस्ट इजिएस्ट सोल्यूशन let's say a and c both of them are positive it looks very straightforward that makes c equal to 4 and a equal to 1 if i take c equals to 4 and a equal to 1 the most obvious solution if c equal to 4 over here then b will obviously be minus 3 so using simple common sense we were able to deduce that c equal to 4 a equal to 1 and b equal to minus 3 now let's just do b plus c by a so 4 minus 3 by 1 that is equals to 1 and 1 is the right answer afterwards me थ्री टॉपिक टेस्ट एंड थ्री फुल टेस्ट आर फ्री यू कैन ग्रो एन अटेम्प्टेड मैं भी वही कर रहा था थोड़ा अंधेरा हो गया तो रिकॉर्ड करने में लेट हो गया है तुमको पता क्या करना है पढ़ाई करो मजे करो जो करना है आ, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर लो यार